मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मसाला औषधि कृषि उपज मंडी में आज उपज की आवक काफी कम रही। दरअसल नए वर्ष और ठंड के प्रकोप के चलते आज कृषि उपज मंडी में किसान कम मात्रा में अपनी उपज लेकर पहुंचे। नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने जानकारी देते हुए बताया कि नए वर्ष के आगमन और ठंड के प्रभाव के चलते आज नीमच कृषि उपज मंडी में कम संख्या में लोग अपनी उपज लेकर पहुंचे। हालांकि आने वाले दिनों में आवक बंपर होने की पूरी संभावना है, क्योंकि खेतों में नई फसल तैयार हो चुकी है और कुछ ही दिनों में वे कटकर बाजार में बिकने के लिए आएगी। ऐसी स्थिति में कृषि उपज मंडी में आने वाले दिनों में आवक अच्छी रहेगी। साथ ही इन दिनों उपज के भाव भी किसानों को अच्छे मिल रहे हैं, जिसे लेकर किसान भी नीमच कृषि मंडी की ओर रुख किए हुए हैं। साल की वजह से आज माल कम आया है। कल लोग 31 दिसंबर का दिन था, तो लोग खुशियाँ मनाते हैं, जश्न मनाते हैं, बल्कि जबकि इस साल तो ये भी हुआ है कि इस कोरोना काल के महामारी के संकट के सत्र में निश्चित रूप से लोग डरे हुए सहमे हुए रहे। करीब करीब मैं सोचता हूँ 50-60% लोगों ने घरों में ही अपना ये 31 दिसंबर को मनाया है, परिवार के साथ मनाया, क्योंकि परिवार के साथ रहने का वादी हो गया 6-7 महीने से। ऐसे में घर में जश्न मनाया होगा तो शांति से, सर्दी भी बहुत है, माल की आवक आज इसलिए कम भी रही। अब नव वर्ष आया है, ये 2021 निश्चित रूप से सबके लिए खूब अच्छा संदेश, शुभ संदेश लेके आएगा। इस महामारी पे भी हम विजय प्राप्त कर चुके हैं, करीब करीब पूरी कोरोना वैक्सीन आ ही गया है, और ये सत्र मैं सोचता हूँ ये जो 2020 की है इसकी डबल भरपाई करके जाएगा कि जितना लोगों को नुकसान हुआ है, जो भी कष्ट हुआ है, भगवान ने चाहा तो 2021 सबके लिए बहुत लाभदायक वर्ष रहेगा और मंडी में खूब यौन पर माल आएगा, क्योंकि अभी जो खेती में माल खड़े हैं ये वर्ष बहुत अच्छे उत्पादन का वर्ष रहेगा। किसान, व्यापारी, हमाल, मजदूर सब लोगों के लिए बहुत उत्साहजनक ये वर्ष रहना चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं भी है इन सबके लिए और मंडी में आने वाले प्रत्येक वर्ग के लिए हमारी शुभकामनाएं व्यापारी संघ की तरफ से, और सबके लिए ये साल मंगलमय है, ये शुभकामनाओं के साथ।